दोस्तों आज हम इस जीने में स्कर्टिंग लगा के दिखाएंगे कि स्कर्टिंग कैसे लगाई जाती है। दोस्तों ये 4 इंच की स्कर्टिंग है, हमने इसके पीस काटे हैं। तो दोस्तों पीस को हम सारे स्टेपों में खड़े कर लेते हैं जितने पीस हमारे कटे हुए हैं, ताकि दोस्तों हमारे पीस बिल्कुल सही तरीके से और सही नाप से कट सकें। दोस्तों इस तरीके से आपके पीस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते और काम भी बहुत जल्दी होता है। तो आप देखें, हमने अब खड़े के पत्थर सबके सब हमने खड़े कर लिए हैं और इसके बाद अब हम इसको कटिंग करते हैं। दोस्तों कटिंग करने का बहुत सरल तरीका है, आपने जो हमारा ट्रेड है ट्रेड पे बिल्कुल इस तरीके से सही तरीके से निशान लगाना है। एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, जो आप ये निशान लगाते हो तो ये बिल्कुल सीधा स्टेप के जैसा लगना चाहिए, ये उठावा या झुकावा नहीं होना चाहिए। यदि आपका ये निशान सही नहीं लगेगा तो पत्थर आपका छोटा कट सकता है। तो चलो दोस्तों इसे कटिंग कर ली अब हमने, और कटिंग करने के बाद अब हम इसका जो पत्थर का जो खसका है जो आगे की तरफ निकला है इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों इसे कटिंग करने के लिए हमें निशान इसी तरीके से लेना है और फिर हमने इसकी कटिंग करके इसमें फंसा देना है। अब दोस्तों इसके बाद लगाते हैं आगे का पत्थर। आगे का पत्थर लगाने का भी यही तरीका है, बस आपने वीडियो देखनी है और सीखना है। और यदि आप समोसा कटिंग या सिंगल पत्थर में जो एक ही स्कर्टिंग बनती है, यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो उसके वीडियो भी हमने बनाई है, चाहो तो एक बार उन्हें भी देख लेना। दोस्तों हमारे चैनल में बारीक से बारीक नॉलेज देने वाली वीडियो होती है, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से जो नए मिस्त्री है उनको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो यदि आप बारीकी से देखेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। दोस्तों अब हमने स्कर्टिंग को हमने एडहेसिव से चिपकाया है। दोस्तों एडहेसिव का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि हमारे जो टाइल पत्थर जो भी हम लगाएं वो गिरे ना, इसकी पकड़ अच्छी होती है। तो चले दोस्तों अब आगे की ओर, अब हम कैसे लगा रहे हैं टाइल या स्कर्टिंग। तो देखा दोस्तों हमने ये टाइल का पीस लिया है, इससे हम इसे गुनिया चेक कर रहे हैं और इसकी लाइन भी चेक कर रहे हैं। चाहो तो आप सूत के सहायता से भी इसकी लाइन चेक कर सकते हैं, बहुत सरल है। दोस्तों आपने सूत एक ऊपर नीचे बांधना है और इसको स्कर्टिंग को लगाना है। ये जो दोस्तों आप इस तरह से करेंगे जिस तरह से हमने टाइल की सहायता से गुनिया और सूत चेक किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चले वीडियो में आपका ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं कि काम कैसे हो रहा है। दोस्तों मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। शायद कोई कमेंट होगा जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा, तो दोस्तों मैंने सभी का कमेंट पढ़ा है और रिप्लाई भी किया है। और जिन दोस्तों ने मेरे से कुछ पूछा है, कुछ जानकारी ली है, तो उनको भी मैंने समझाया है कि क्या चीज़ कैसे करें। तो यदि आपको भी कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई दे सकूँ। कभी कभी दोस्तों मैं बहुत जल्दी भी दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं खुद काम करता हूँ और काम की बारीकी आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।